Good morning from Bali. Today is day 2, right? Yes, yes, today yes. is day 2. So we have reached to Pandava Beach. Today morning we had a photo shoot today morning at 6 o'clock, so we had to reach to cliff, which is near to Pandava Beach, and the photo shoot is done. We will share the pictures in our YouTube channel, and behind us the cliff is you here. Can see the cliff. इस ब्यूटीफुल प्लेस का नाम है ट्विन क्लिफ रोड और तानाबरा क्लिफ, और ये क्लिफ पंडावा बीच के पास ही लोकेटेड है। पंडावा बीच के दोनों साइड 90 डिग्री वर्टिकल क्लिफ है, एंड इट्स अ नाइस फोटो स्पॉट। और आज हमारा यहाँ फोटो शूट था, इसलिए हम 6 AM अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पहुँच गए थे। ट्विन क्लिफ रोड को बाली गवर्नमेंट ने 2011 में पंडावा बीच को एक्सेस करने के लिए बनवाया था, और इसकी एंट्री फी है 15,000 IDR पर पर्सन। इसमें पंडावा बीच की भी एंट्री इंक्लूडेड है। आप 5 to 6 मिनट्स की अमेजिंग ड्राइव को एंजॉय करते हुए पंडावा बीच तक पहुंच सकते हैं, और क्लिफ के बीच में आप कुछ देर रुककर फोटोशूट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी एस्थेटिक। द ड्राइव इज़ सुपर अमेजिंग, और जैसे ही ड्राइव एंड होती है आपको पंडावा बीच का सुपर ब्यूटिफुल व्यू देखने को मिलेगा। इस प्लेस को विजिट करने के लिए आपको टिप दे देते हैं, आप यहाँ सनराइज के टाइम अराउंड 6 AM आइएगा। इससे आपके दो फायदे होंगे। नंबर 1, ये प्लेस आपको लेस क्राउडेड मिलेगा। नंबर 2, फोटोग्राफी के लिए लाइटिंग भी आपको अच्छी मिलेगी। तो अगर आप एक मेमोरेबल फोटोशूट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो पंडावा क्लिफ बाली का ये स्पॉट डेफिनेटली एक मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ पर आपको मिलेंगे नॉट जस्ट स्टनिंग फोटोज बल्कि एक लाइफ टाइम की मेमोरीज भी। हमने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया, तो चलिए अब आपको हमारे फोटो शूट की कुछ क्लिप्स एंड फोटोज दिखाते हैं। फोटोशूट खत्म होने के जस्ट बाद हमको बहुत प्यास लगी, तो हमने ले लिया यहाँ पर एक नारियल पानी। आप देख सकते हैं साइज कितना बड़ा है यहाँ पर। दिस इज 20,000 IDR, इट इज रुपया, एंड इट वुड कॉस्ट अराउंड 120 rupees इन इंडियन रुपीज। सो एंजॉय करते हैं फुल नारियल पानी, एंड देन विल मीट एट पंडावा बीच साइड। सी यू। ये जो आप देख रहे हैं ये पंडावा बीच है। पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ब्लू है, और मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पे क्राउड भी नहीं है। हाँ, और टाइड काफ़ी हाई है, इसीलिए यहाँ पे लोग सर्फिंग के लिए आते हैं। इस एरिया में सर्फिंग बहुत होती है। अगर आपको भी सर्फिंग पसंद है तो बाली इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर सर्फिंग। इस ब्यूटीफुल बीच के बारे में कई लोग नहीं जानते, जिसका नाम महाभारत के पांडवों के नाम पर रखा गया है, पंडावा बीच। पंडावा बीच को सीक्रेट बीच भी कहा जाता है, और इसे सीक्रेट बीच इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले ये बीच इजीली एक्सेसिबल नहीं था, और 2011 में ट्विन क्लिफ बनने के बाद
पंडावा बीच तक पहुंचना बहुत आसान हो गया। अमेजिंग व्यूज के साथ साथ ये बीच हिस्ट्री और कल्चर से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के क्लिफ मार्वल में आपको महाभारत के 5 पांडवास के स्टैचू भी देखने को मिलेंगे। ये बीच साउथ कुटा के बडुंग एरिया में लोकेटेड है और उलुवाटू टेम्पल से सिर्फ 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। इसकी लोकेशन थोड़ा अलग होने की वजह से यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते। यहाँ पर सर्फिंग के साथ साथ पैराग्लाइडिंग एंड पैरासेलिंग भी होती है और इन एक्टिविटीज़ को बाली गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही स्टार्ट किया है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने के साथ साथ आप यहाँ के कैफे में डिलीशियस फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अमेजिंग रहा। ये प्लेस लेस क्राउडेड है और आप यहाँ आराम से अपना 2-3 आवर्स का टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमने बाली में एक फोटोग्राफर हायर किया था अपने फोटो शूट के लिए। अगर आपको भी डिटेल्स चाहिए तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। पंडावा बीच के पास ही एक छोटा सा पार्क था जहां पे हमने अपना कुछ टाइम और स्पेंड किया। फोटोशूट होने की वजह से हम यहां अर्ली मॉर्निंग आए थे, इसलिए पार्क इस टाइम क्लोज था, बट हमने यहां के व्यू को एंजॉय किया और यहां पे ढेर सारी मेमोरीज बनाई। ये पूरा एरिया जो है ना, ये पंडावा बीच के अंडर में आता है और ये पार्क डेवलप करी गई है एंजॉयमेंट के लिए। आप ये देख सकते हैं, नाम इसका पंटाई पंडावा सामने लिखा हुआ है। सो पंडावा बीच कवर करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन को, जो कि है गरुणा टेम्पल। वो एशिया का सबसे बड़ा गरुड़देव का टेम्पल है और मीन्स बाली में कई लोकेशन से वो दिखाई देता है। तो चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कैसा व्यू है वहाँ का और आपको भी दिखाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते और इसे यहीं पर एंड करते हैं। GWK कल्चरल पार्क की इन्फॉर्मेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।